मित्रों नमस्कार, द डिवाइन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्क राशि के लोग किस प्रकार से सफल हो सकते हैं, कौन से उपाय उनको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। तो कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा बहुत ही सौम्य प्लैनेट हैं, तो कर्क राशि के लोग भी उसी प्रकार के होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, और सबके ऊपर भरोसा करने वाले होते हैं, और सब लोगों को मदद करने में सबसे आगे रहने वाले होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि परिस्थितियों के साथ बहुत जल्दी कभी निराश हो जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, और अपने जो भी विचार इनके हैं वो उनके अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो ये जीवन के अंदर बहुत सफल हो सकते हैं। ये ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों के लिए कौन सा कलर सूट करता है। तो इन लोगों के जो लक्की कलर होगा वो वाइट कलर लक्की होगा, येलो कलर, रेड कलर इनके लिए लक्की रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं कि इन लोगों को कौन सा नंबर ज़्यादा लक्की रहता है, तो इन लोगों के लिए दो नंबर लक्की रहता है। यदि हम बात करें कि इनके लिए कौन सा डे लक्की रहता है, तो इनके लिए मंडे, वेंसडे, थर्सडे और संडे, ये लक्की डेज हैं इन लोगों के लिए। यदि कोई शुभ कार्य करते हैं तो इन दिनों में करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। यदि हम बात करें कि इनको कौन सा स्टोन सूट करता है, तो इनको सूट करता है, लकी स्टोन होगा इनका पर्ल, जिसको हम मोती भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन लोगों के लिए कौन सी दिशा शुभ रहती है। तो ऐसे लोग यदि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में घरों में रहें, या इनका ऑफिस घर दुकान यदि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो इनके लिए फलदायी अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं कि इनको जीवन के अंदर सफल होने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो आपको भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। व्हाइट कलर का ज़्यादा प्रयोग करें, और यदि आप ध्यान कर सकें तो आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और नई नई चीज़ों के साथ, वैदिक उपाय के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद।